गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम चांदनी ठाकुर. वेलकम टू मूलिट क्लासेस. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. दिस चैप्टर 22 ऑफ क्लास 11th. देन यू कैन सी इन डायग्राम, दिस इज अ एंडोक्राइन सिस्टम. एंड एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपकी ग्लैंड्स हैं लाइक पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायरॉयड, पैराथायरॉयड, थाइमस, पेंक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, एंड प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वर्क करता है आपका. ओके, तो ये सारी हैं आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड. इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हॉर्मोन्स को, एक्जोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड आपका था हेट्रोक्राइन ग्लैंड. फिर उससे जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है ना. बट आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पिट्यूटरी. ओके, तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोफाइसिस. ओके, एंड इसी को हम बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, कंडक्टर और एंडोक्राइन सिंफोनी, ठीक है. तो देखिए इसे पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर्म्स लिंक बिटवीन न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड मेंटेनेंस फंक्शनल इंटीग्रेशन बिटवीन द टू. क्या बोल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो लिंक है किस इसके बीच की, आपकी न्यूरल मतलब ब्रेन की और एंडोक्राइन सिस्टम की, क्योंकि ब्रेन में आपका हाइपोथैलेमस है तो हाइपोथैलेमस से कनेक्ट थी आपकी, ठीक है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड. तो आपकी एंडोक्राइन और न्यूरल दोनों से ही आपकी लिंक होती है एंड मेंटेन करती है फंक्शनल इंटीग्रेशन बिटवीन टू दोनों को, ठीक है, आपकी ब्रेन एंड आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड. इट रेगुलेट ऑलमोस्ट ऑल द ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है ना. ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपकी सारी बॉडी की ग्लैंड को रेगुलेट करती है, दस इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी. इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है. एंड फिर नेक्स्ट देखिए इसमें आपकी सारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है ना. देखिए आपका ये पोस्टीरियर पार्ट है एंड आपका एंटीरियर पार्ट है. तो आपके एंटीरियर पार्ट में आपके हॉर्मोन्स थे FSH LH, ठीक है, आपके टेस्टिस और ओवरीज का टारगेट ऑर्गन थे. देन आपका TSH था, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका टारगेट ऑर्गन था आपका थायरॉयड. ECTH, ठीक है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसका आपका टारगेट ऑर्गन था एड्रिनल कॉर्टेक्स. प्रोलैक्टिन मेमोरी ग्लैंड MSH, मेलानोसाइट्स एंड ग्रोथ हार्मोन, लिवर, बोन एंड अदर टिश्यूज. अब हम बात कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर के बारे में. तो देखिए इसमें है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है ना. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है आपकी, एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती है, ठीक है ना. ओरिजिन क्या है इसकी, एक्टोडर्मल. स्ट्रक्चर में देखिए पिट्यूटरी इज अ स्मॉल रेड ग्रे पियर शेप्ड ग्लैंड अबाउट 1.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसका 1.3 सेंटीमीटर क्या होती है, इसके डायमीटर में होती है एंड 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है ना. 0.5 यहाँ पे आपको ग्राम लगाना है, ठीक है ना, जी ग्राम इन वेट. इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स, हमने इसको थ्री लोब में डिवाइड किया है, एंटीरियर लोब, ठीक है, पोस्टीरियर लोब और एक आपका होता है इंटरमीडिएट लोब. तो देखिए एंटीरियर लोब और इसे हम बोलते हैं पार्स एंटीरियर, ऑल्सो कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस. नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट लोब और इसे हम क्या बोलते हैं, पार्स इंटरमीडिया, ठीक है. एंड नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर लोब, इसे हम क्या बोलते हैं, पार्स नर्वोशा एंड ऑल्सो टर्म्ड एज न्यूरो हाइपोफाइसिस. इट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लोब आर कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस, ठीक है ना. इसके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर जो लोब होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं हाइपोथैलेमस से बाई हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा एंड एक्जोन ऑफ हाइपोथैलेमिक न्यूरो. ओके, देखिए फिर देखिए इसमें आप लोग, ये आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना. देखिए पिट्यूटरी है आपका और ये आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है ना. फिर देखिए आप लोग पिट्यूटरी में आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है ना. अब हम बात कर लेते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी की, एडिनो हाइपोफाइसिस. तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाईली सेलुलर एंड वस्कुलर. कैसी होती है आपकी, सेलुलर एंड वस्कुलर होती है. इट्स सिक्रेटरी सेल्स ऑफ टू टाइप, एसिडोफिल्स एंड सेकेंड वन इज बेसोफिल्स. तो एसिडोफिल्स विच सीक्रेट STH एंड प्रोलैक्टिन, ठीक है ना. ये आपका प्रोलैक्टिन एंड STH जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है उसको
सीक्रेट करती है, एंड बेसोफिल्स विच सीक्रेट TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। दस एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट सिक्स हार्मोन, ठीक है ना, सिक्स हार्मोन को सीक्रेट करती है, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द फंक्शनल सिग्निफिकेंस, जो आपके फंक्शनल जो इसका फंक्शनल सिग्निफिकेंस पे बेस्ड रहता है। दिस आर ग्रुप इंटू ट्रॉपिक और ट्रॉपिक हार्मोन एंड गोनेडोट्रोपिन्स। तो देखिए, फर्स्ट आपका हार्मोन है STH, इसे हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन और सोमैटोट्रोपिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, HGH भी बोलते हैं। तो इट स्टिमुलेट बॉडी ग्रोथ, ठीक है ना, ये आपकी बॉडी की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना, आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है। इट इंक्रीज प्रोटीन एनाबॉलिज्म, फैट कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म करता है, फैट का कैटाबॉलिज्म करता है, एंड डिक्रीज ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, ठीक है ना। इट इन्हेंस सेल डिवीजन, ठीक है ना, आपकी सेल डिवीजन को बढ़ाता है, ठीक है ना, मसल्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, बोन्स एंड कनेक्टिव टिश्यूज की को भी ग्रोथ करवाता है, ठीक है ना। STH मतलब सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, मतलब आपका ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर GHRH ऑफ हाइपोथैलेमस इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ STH, ठीक है, जो ग्रोथ हार्मोन GHRF है हाइपोथैलेमस का, वो इंक्रीज क्या करता है STH, वाइल ग्रोथ हार्मोन को आपका क्या करता है सीक्रेशन करता है, उनका इंक्रीज को उनके सीक्रेशन को इंक्रीज करता है। मतलब जो आपका GHRH है, GHRH मैंने पढ़ाया था आपको, जो हाइपोथैलेमस पढ़ाया था उसमें बताया था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर होता है कहाँ पे, आपके हाइपोथैलेमस में। तो जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है हाइपोथैलेमस का, वो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है ना, STH है, उसके सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। वाइल जबकि ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, और एक होता है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर, ठीक है ना, ये इसके मतलब जो आपका ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन हो रहा है उसको इनहिबिट करता है, मतलब उसको रोकता है, कहीं मतलब दोनों को रेगुलेट करना है ना, कहीं आपकी ग्रोथ ज़्यादा ना बढ़ जाए, कहीं ज़्यादा कम ना हो जाए, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे इसमें आपका, इसमें ड्वार्फिज्म आता है, ठीक है, जिसमें आपका ग्रोथ हार्मोन अगर कम निकलता है, सिक्रेशन का कम है, तो आपको ड्वार्फिज्म हो जाता है, अगर आपका ज़्यादा निकलता है तो जेजेंटिज्म हो जाता है आपको, ठीक है ना। तो ये दोनों ही हम पढ़ेंगे आगे, ओके। नेक्स्ट है आपका टारगेट सेल, वेरियस बॉडी सेल्स अंडरगोइंग ग्रोथ, ठीक है ना। टारगेट सेल क्या है इसका, कि जितनी भी आपकी बॉडी में सेल्स हैं उनकी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि आपका हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर निकलता है, जो पिट्यूटरी पर जाके वर्क करता है, एंड पिट्यूटरी से फिर कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, जो ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेशन को इंक्रीज करता है, कौन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ठीक है। और एक ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर भी होता है, जो जो आपकी ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा ना निकले उसको इनहिबिट करता है, ठीक है ना, ये हमने देख लिया इसमें, ये है आपका ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो देखिए इसमें ग्रोथ हार्मोन में देखिए आप लोग, देखिए हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, सर्केडियन रिदमिक, ठीक है, सीरीज एंड आपका कॉर्टिसोल फास्टिंग, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है, ठीक है ना। तो ग्रोथ हार्मोन आया आपका हाइपोथैलेमस निकला, देन आपका ग्रोथ हार्मोन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में, एंटी पिट्यूटरी में, देन लिवर एंड अदर टिश्यूज पे आपका वर्क करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है ना, कार्टिलेज ग्रोथ, ब्लड ग्लूकोज को भी बढ़ाता है, ठीक है ना, ब्लड एंड टिश्यू ग्रोथ को भी, आपकी बोन्स एंड टिश्यूज को भी ग्रोथ कराता है, ठीक है, इनकी ग्रो कराता है। देन सोमैटोस्टेटिन है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग फैक्टर है, जो अगर इसका इस पर नेगेटिव फीडबैक करता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए आप, और देखिए इसमें द सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन विच इन्वॉल्व्स बोथ रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, GH आपका IH एंड GHRH है, ठीक है ना। तो GHIH आपका इनहिबिशन का है, इनहिबिटिंग, ठीक है, इनहिबिशन का, एंड आपका ये रिलीजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेशन का है, ठीक है ना। एंट्री लोब आप है, ठीक है, एंट्री लोब है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, देन ग्रोथ हार्मोन लिवर वर्क करता है, एंड आपका सोमैटो मीडियंस, ठीक है ना, एंड आपका एडिपो टिश्यू लिवर को भी आपका इसमें एडिपो आपके लिवर में जो एडिपो टिश्यू है उनको भी हेल्प करता है, उनमें स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ स्केलेटन कार्टिलेज एंड मैनी अदर टिश्यूज। फिर देखिए आप लोग इसमें ये और है आपका, ठीक है, देखिए
ब्रेन से आपका, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, ब्रेन का हमने हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का निकाल दिया है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है। देन आपका आपका सोमेटोमीडियन से, ठीक है ना, बोन्स मसल्स फैट अदर टिश्यूज पे वर्क करता है, ठीक है। फिर आप लोग ये और देख लीजिए, देखिए इसमें द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है ना, पिट्यूटरी एंड्रियल लोब है, ठीक है, ये वर्क कर रहा है, लिवर वर्क कर रहा है। देन लिवर पे आपका सेलुलर रिपेयर एंड आपका रिजनरेशन, ठीक है, बोन्स वर्क कर रहा है आपका, ठीक है, बोन्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। ओके, देखिए अब हम बात करेंगे आपका, हमने ग्रोथ हार्मोन को पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH, इसे हम बोलते हैं थायरोट्रोपिन। इट स्टिमुलेट्स थायरॉयड ग्लैंड, ये किससे वर्क करता है, थायरॉयड ग्लैंड पे, जो सीक्रेट करती है थायरोक्सिन हार्मोन को, ठीक है ना। इट सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाय थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका सीक्रेशन किससे कंट्रोल होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हाइपोथैलेमस से, ठीक है ना। हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन करता है, ठीक है ना, और जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है फिर के एंटीरियर लोअर पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करता है, देन थायरोक्सिन हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है या उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस, इट्स हाइपोसिक्रेशन रिजल्ट इन द फॉल ऑफ TSH ब्लड लेवल प्रोड्यूसिंग थायरॉयड एट्रोपी, ठीक है ना। अगर आपका हाइपोसिक्रेशन हो गया, मतलब अगर आपका जो थायरोक्सिन है उसका सिक्रेशन कम हो गया, तो क्या रिजल्ट होगा, इन द फॉल ऑफ TSH, ठीक है ना। TSH का लेवल है जो, TSH का ब्लड में जो TSH का लेवल है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, एंड थायरॉयड एट्रोपी हो जाएगी, ठीक है ना। वेयर इट्स एक्सेस, अगर प्रोड्यूस, मतलब जो आपका ये थायरोक्सिन हार्मोन अगर अधिक निकल गया तो प्रोड्यूस एक्सेस थायरोक्सिन, ठीक है। किस पे वर्क करता है, टारगेट सेल क्या है, सेल्स ऑफ थायरॉयड ऑर्गन, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड ऑर्गन नहीं, थायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना। किस पे वर्क करता है, आपका थायरॉयड ग्लैंड पे वर्क करता है। ओके, चलिए ये देखिए इसका हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, देन आपका टीआर थायरॉयड आपका रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, टी थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आपका थायरॉयड वर्क किया, देन कौन कौन से हार्मोन आपको इसने रिलीज किए, T3 एंड T4, ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड से। ओके, हम थायरॉयड ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए फिर आप लोग और देखिए इसको, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आपका TRH, देन पिट्यूटरी ग्लैंड TSH, ठीक है, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायरॉयड ग्लैंड ने आपका कौन कौन से हार्मोन को सिक्रेट किया, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना, या फिर आप टेट्रा आइडो थायरो आपका टेट्रा आइडो थायरोनिन हार्मोन ही बोल सकते हैं, जैसे कि आप T3 को बोलते हैं ना ट्राई आइडो थायरोनिन हार्मोन बोलते हैं, ऐसे ही टेट्रा आइडो थायरोनिन हार्मोन भी बोल सकते हैं। देन TSH होता है थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड टीआर थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, ये देखिए हाइपोथैलेमस है, ठीक है, एंटीरियर लोअर पिट्यूटरी है, थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन आया, देन आपका थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आपका थायरॉयड ग्लैंड वर्क किया, उसके बाद थायरॉयड हार्मोन निकले T3 एंड T4, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है, इंक्रीज आपके कैटेकोलामाइन इफेक्ट भी करता है, ठीक है। देखिए थायरॉयड सिस्टम है, ठीक है ना, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, जो भी आपको मैंने बताया था। ओके, देखिए हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोअर पिट्यूटरी है, TSH थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T4 को रिलीज किया, एंड रिवर्स में T3 है, ठीक है। फिर और देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायरॉयड एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी TSH थायरॉयड ग्लैंड, आपका T4 निकला एंड T3 से वर्क करेगा आपका हार्ट लिवर बोन्स एंड CNS टारगेट टिश्यूज हैं, ठीक है ना, लिवर मसल्स पे आपका ये T4। ओके, फिर देखिए हाइपोथैलेमस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड थायरॉयड रिलीजिंग हार्मोन थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायरॉयड ग्लैंड थायरॉयड हार्मोन T3 एंड T4 एक्सेस और नॉर्मल, ठीक है ना। अगर आपका ज़्यादा निकलेगा तो क्या हो जाएगा, आपको आपका डेलेट्रियस हो जाएगा, ठीक है, मसल्स वास्टिंग, ठीक है ना, बोन आपकी जो बोन है वो लॉस हो जाएंगी, उसमें मतलब बोन थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, बेनिफिशियल क्या है, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल फैट लॉस, ठीक है ना, एंड ग्रोथ देखिए इसमें इंक्रीज, देखिए इंक्रीज मेटाबॉलिज्म जगह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉर्मल है तो, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज कैटेकोलामाइन इफेक्ट अफेक्ट्स लिवर हार्ट CNS
इम्यूनिटी बोन्स विच एन ऑडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब आपका आता है ये एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसे हम क्या बोलते हैं, ACTH बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ACTH में इट इज़ पेप्टाइड हार्मोन, ये कैसा होता है आपका, पेप्टाइड हार्मोन होता है। ठीक है ना, इट कंट्रोल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स की नॉर्मल फंक्शनिंग उसको कंट्रोल करता है, एंड रिलीज ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, मिनरल कॉर्टिकॉइड, ठीक है ना, एंड आपका सेकेंड वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को रिलीज कौन करता है, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है ना, मतलब जो देखिए पहले सुनिए, जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है, ठीक है ना, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड रिलीज ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के पार्ट से आपके दो हार्मोन रिलीज होते हैं, रिलीज ऑफ मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। इट्स हाइपोसिक्रेशन कॉज एट्रोपी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, अगर इसका सिक्रेशन कम निकलेगा तो एड्रिनल ग्लैंड में एट्रोपी हो जाएगी, एंड हाइपर सिक्रेशन प्रोड्यूस एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, सेल्स क्या होती हैं इसकी, एड्रिनल सेल्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए आप लोग इसमें, अब देखिए आप लोग ACTH फॉर्मेशन में पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है ना, एंटीरियर लोब है, इससे आपका प्रो प्रियो मिलेनो कॉर्टिन, ठीक है ना, प्रोसीड होता है टू स्मॉलर पेप्टाइड हाइड्रोलाइज, एंड आपका प्रो ACTH बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ACTH है, ठीक है ना, एंड प्रो अल्फा मिलेनोट्रोपिन, ठीक है, एंड ACTH बनता है। ठीक है ना, ऐसे आपका ACTH का फॉर्मेशन होता है, लेकिन आपको ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, आप ये सब याद मत रखिए, बस आपको याद रखना है जैसे कि जो आपका ACTH है स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, देन एड्रिनल कॉर्टेक्स से आपके जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो होता है आपका कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड आपका एस्ट्रोजन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रॉपिन बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी या देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है ना, ये आपका जो आपकी किडनी के ऊपर जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है तो उसमें ये कॉर्टेक्स है, एंड अंदर वाला क्या होता है आपका मेडुला होता है, तो स्टिमुलेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है ना, ये जो आपका एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है वो किसको स्टिमुलेट करता है, आपके किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और फिर वहाँ से रिलीज होती है आपकी कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। रेगुलेट ऑफ ACTH रिलीज हाइपोथैलेमस रिलीज कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH इन योर डेली रिदम, फीवर, हाइपोग्लाइसीमिया एंड स्ट्रेस कैन अलर्ट द रिलीज ऑफ CRH। ओके, नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये आपका हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना, देन आपका कॉर्टिकोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH एंड कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है, ये आपका कॉर्टिसोल फिर रिलीज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ACTH एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस क्या करवाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को प्रोड्यूस करता है, दैट इज रिलीज ड्यूरिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये देखिए आप लोग हाइपोथैलेमस देन पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH एंड एड्रिनल ग्लैंड पे वर्क करता है, कॉर्टिसोल को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोनाडोट्रोपिन्स और गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन। द गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन कंट्रोल नॉर्मल फंक्शन ऑफ गोनाड्स, जो आपका गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो कंट्रोल करता है जो गोनाड्स की नॉर्मल फंक्शनिंग होती है उसको। ठीक है ना, आपका जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन होता है वो क्या करता है बताइए, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कंट्रोल करता है गोनाड्स की नॉर्मल फंक्शनिंग को। गोनाड्स जो आपकी टेस्टिस, ठीक है ना, इन मेल में टेस्टिस होते हैं एंड फीमेल में क्या होती है, ओवरी, ठीक है ना, तो इसको क्या करता है, ये इनके नॉर्मल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है ना, एंड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करता है, दीज आर, ये होते हैं आपके FSH, ठीक है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे हम FSH बोलते हैं। इन फीमेल में FSH स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाई फॉलिकल सेल्स। ठीक है ना, फीमेल में जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो स्टिमुलेट करता है जो आपके ग्राफियन फॉलिकल हैं। ठीक है ना, ग्राफियन फॉलिकल होते हैं
उनके ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। जो ग्राफियन फॉलिकल है, कॉर्पस ल्यूटियम वगैरह मैं आपको पढ़ाऊंगी ये सब, ठीक है ना। ग्राफियन फॉलिकल किसे कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम, देन वहाँ से जो आपका ओवम रिलीज होता है, ठीक है ना, ये सब मैं आपको जब रिप्रोडक्शन, इसके बाद मैं आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है ना। तो FSH स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ, अब आप बस इतना याद रखिए जो FSH होता है वो फीमेल में जो ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एंड सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाई फॉलिकल सेल, ठीक है। जो फॉलिकल सेल्स होती हैं उसके द्वारा जो एस्ट्रोजन का सीक्रेशन करवाता है, ठीक है ना। फॉलिकल सेल्स के द्वारा जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है फीमेल में, उसका सीक्रेशन भी FSH ही करवाता है। एंड इन मेल्स में कंट्रोल स्पर्मेटोजेनेसिस इन टेस्टिस, ठीक है ना। स्पर्मेटोजेनेसिस जो आपका स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, आपका FSH, ठीक है ना। टेस्ट जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसको कंट्रोल, उसका कंट्रोल होता है FSH के द्वारा इन मेल्स में, ठीक है ना, पुरुष में। टारगेट सेल्स क्या है, टारगेट सेल्स सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल गोनाड्स, ओके। देखिए आप लोग यहाँ पे हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, देन पिट्यूटरी FSH है, टेस्टिस से वर्क कर रहा है, ठीक है ना, इसमें साइटोली सेल्स हैं एंड ओवरी, ठीक है ना, ग्रेनुलोसा सेल्स हैं, तो सपोर्ट जर्म सेल डेवलपमेंट, ठीक है ना, जो जर्म सेल है उनके डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है FSH, ठीक है। नेक्स्ट देखिए और आप लोग, जस्ट वेट, ठीक है। देखिए ब्रेन में हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, रिलीजिंग GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, पिट्यूटरी के रिलीजिंग FSH टू स्टिमुलेट मैचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स इन द ओवरीज, ठीक है ना। ये जो आपकी ओवरीज में जो फॉलिकल होते हैं उनके मैचुरेशन में स्टिमुलेट रिलीज करता है, ठीक है। देखिए आपकी ओवरीज हैं, ठीक है ना, आपकी फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस, ओके। नेक्स्ट देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंट्री लोब, पोस्टीरियर लोब है, देन LH निकला, FSH निकला, ठीक है ना, इसने ओवरी वर्क किया एंड तो फिर आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हाइपोथैलेमस, देन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग FSH एंड LH, ठीक है, लीडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस एंड टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करवाया इसने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है ना, उसके बाद देखिए आप लोग, ये आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, एंट्री पिट्यूटरी ड्यूटेरियन हार्मोन निकला, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देन ओवरी वर्क किया, ठीक है। देखिए हाइपोथैलेमस, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन पिट्यूटरी, FSH एंड LH, ठीक है ना, तो आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन एंड ओवरी है आपकी, ठीक है, देन आपका टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हुआ। उसके बाद आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH बोलते हैं इन फीमेल, एंड इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन मेल्स, ठीक है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो आपके फीमेल्स में होता है, एंड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH इन मेल। तो LH स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओवम का रिलीज होना, ठीक है ना। तो LH स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है तो उसमें LH स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन, ठीक है ना। इन मेल में दिस हार्मोन इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH, इट कॉज अ सीक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन के सीक्रेशन में हेल्प करता है। देन जस्ट वेट, टारगेट सेल क्या है, सेल्स ऑफ मेल एंड फीमेल गोनाड्स, ठीक है। देखिए आप लोग पिट्यूटरी, ठीक है ना, ओवरी, देन येलो बॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम आपका LH स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ येलो बॉडी, ठीक है ना, एनहांस प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन, ओके। देखिए ये तो आपका ऑक्सीटोसिन का है, मैं ही पढ़ाऊंगी ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद आप लोग ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन देखिए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है ना, प्यूबर्टी रिलीज ऑन LH एंड नो बॉन्ड्स, इट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द ओवरीज और टेस्टिस, ठीक है ना, टेस्टिस से आपका प्रोजेस्टेरोन निकलता है एंड ओवरीज से आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, फ्रॉम द ओवरीज और टेस्टिस, एंड इज ऑफन मेजर ड्यूरिंग एंड इनफर्टिलिटी वर्क अप टू इवेल्युएट ओव्यूलेशन इन वुमेन और टेस्टिकुलर फंक्शन इन मेन ह्यूमन, मतलब आपका पुरुष, ठीक है। देन देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस, देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फीमेल स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, ठीक है ना, एंड प्रमोट सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉज क्या करता है, ओव्यूलेशन करता है ये, ठीक है ना, कॉज अ फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है ना, ओव्यूलेशन के बाद आपका फॉलिकल्स, जस्ट वेट, फॉलिकल्स का मतलब फॉलिकल्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद
डेवलपमेंट इंटू अ येलो बॉडी कॉर्पस ल्यूटियम विच प्रोड्यूस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए आप लोग प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन और ल्यूटोट्रॉपिक हार्मोन, इट कंट्रोल सीक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर डिलीवरी। ठीक है ना, डिलीवरी के बाद मिल्क का सीक्रेशन में हेल्प करता है एंड जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है ना, मतलब क्या करता है, जो मिल्क का सीक्रेशन होता है, ठीक है ना, आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो मिल्क का सीक्रेशन होता है उसमें ये रोल प्ले करता है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी के दौरान भी। इट प्रमोट ब्रेस्ट डेवलपमेंट और ये ब्रेस्ट डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है विद LH। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इट मेंटेन, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के साथ इट मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम को लेट इन द पोस्ट ओव्यूलेटरी और प्री मेंस्ट्रुअल फेज। इट सीक्रेशन इज कंट्रोल्ड बाई प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर। ये सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, इसका सीक्रेशन किसके कंट्रोल होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। टारगेट सेल्स क्या है इसकी, मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है आपका वो मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है ना, एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो देखिए प्रोलैक्टिन, ठीक है, मॉम्स टू वियर आर फेस्ड विद मेजर चेंजेस इंक्लूडिंग दिस हार्मोन दैट राइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी दौरान ये राइज होता है। फन फैक्ट, द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज प्रोलैक्टिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, चाइल्ड बर्थ के द्वारा के बाद एक प्रोलैक्टिन रिलीज होता है टू टेक ट्रिगर लैक्टेशन। ठीक है ना, और लैक्टेशन को ट्रिगर करता है, मतलब मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है विच इनेबल मॉम्स टू ब्रेस्ट फीड, जिससे कि आपकी जो मॉम होती है वो ब्रेस्ट फीड करवा अपने बच्चों को। ठीक है ना, देन आपको मैं ये वाला देखिए आप लोग पहले देखिए, लैक्टेशन, देखिए हाइपोथैलेमस के एंटर पिट्यूटरी से आपका प्रोलैक्टिन निकला। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करवाता है एंड पोस्टर पिट्यूटरी से निकलता है आपका ऑक्सीटोसिन, बोलते हैं मिल्क इजेक्शन करवाता है। ठीक है ना, मिल्क का इजेक्शन करवाने में आपका कौन है, ऑक्सीटोसिन, एंड मिल्क का प्रोडक्शन कौन करवाता है आपका, प्रोलैक्टिन। देखिए प्रोलैक्टिन, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन आपका मिल्क प्रोडक्शन करवा रहा है, देन जो बेबी है वो शक कर रहा है। ठीक है, उसको आपका प्रोलैक्टिन, देन आपका हाइपोथैलेमस पे जाके वर्क करता है। ठीक है ना, लैक्टेशन की प्रोसेस है ये पूरी। ओके, देखिए डोपामिन आपका हार्मोन्स पर नेगेटिव फीडबैक करता है, TRH। ठीक है, प्रोलैक्टिन उसके बाद आपका अदर टिश्यूज एंड ब्रेस्ट पर वर्क करता है, सकलिंग। ठीक है, उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बेबी शक करता है उसके बाद आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, देन देखिए प्रोलैक्टिन रेगुलेशन। ठीक है ना, मिड स्ट्रेस एस्ट्रोजन हाइपोथैलेमस डोपामिन, ठीक है, इनहिबिशन करता है इसका एंड TRH आपका स्टिमुलेशन करता है एंटर पिट्यूटरी। ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन मेमोरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस मिल्क, मिल्क का प्रोड्यूस करता है, सकलिंग। ठीक है ना, शक जब बेबी सब करता है, देन इंटरमीडिएट लोअर पिट्यूटरी। ठीक है ना, आपका जो अब देखिए मैं हमने भी क्या पढ़ा था, एंटीरियर लोअर पिट्यूटरी पढ़ा था, उसमें हमने कई सारे हार्मोन्स को देख लिया। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरमीडिएट लोअर पिट्यूटरी, मतलब जो आपका बीच वाला पार्ट था पिट्यूटरी का वो। तो इट सीक्रेट ओनली वन हार्मोन नोन एज इंटरमेडिन, ठीक है ना, इंटरमीडिएट मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है ना, मतलब जो इंटरमीडिएट, मतलब आपका इसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं और यहाँ पे आपका ओ आएगा। ठीक है ना, इंटरमीडिएट बोलते हैं और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन आप MSH बोलते हैं। आप इतना याद रखिए, जो आपका इंटरमीडिएट लोअर पिट्यूटरी है वो हार्मोन कौन सा रिलीज करती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इंक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ डार्किंग ऑफ स्किन इन मैनी एनिमल्स सच एज फिश एम्फीबियंस etc। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, द मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कलेक्टिव रेफर्ड टू एज MSH और इंटरमीडिएट्स आर अ क्लास ऑफ पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, दैट आर नेचर आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन द इंटरमीडिएट लोअर द पिट्यूटरी ग्लैंड। मेलानोसाइट स्टिमुलेट हार्मोन गेट्स इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन मेलानोसाइट स्किन सेल्स दैट कंटेन द ब्लैक पिगमेंट मेलानिन। ठीक है ना, इसके पास क्या होता है, ब्लैक पिगमेंट होता है, इसका नाम क्या है, मेलानिन, जो स्किन की कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। देन देखिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाई कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस इंक्रीज इट्स रिलीज फ्रॉम द एंटर पिट्यूटरी। मतलब एंटर पिट्यूटरी बोल दिए आप इंटरमीडिएट लोब बोल दीजिए, फंक्शन नॉट सर्टेन इन ह्यूमन इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन इन फ्रॉग। उसके आपका अब आता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। इट्स पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी डेवलप्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है ना, जो आपका पोस्टर ऑफ पिट्यूटरी का जो पोस्टर लोब है वो डेवलप कहाँ पर होता है, फ्रॉम द फोर्थ लोब वेंट्रिकल। इट इज कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस बाई एक्सन ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफिशियल ट्रैक।
इट्स सीक्रेटरी सेल्स आर कॉल्ड पिट्यूसाइट्स, इट सीक्रेट्स फॉलोइंग टू हार्मोन, ये आपके टू हार्मोन को रिलीज करती है, ऑक्सीटोसिन और एक क्या था आपका ADH, ठीक है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जैसे हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन और क्या बोलते हैं वैसोप्रेसिन बोलते हैं। इट इज़ अ वाटर रिटेनिंग हार्मोन, ये क्या होता है जो आपकी किडनी होती है, तो किडनी मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना, एंड आपका DCT PCT ये सब कुछ पढ़ाया था मैंने, हेलिस लूप ये सब पढ़ाया था ना, तो वहीं से क्या करती है वाटर को रिटेन करती है, ठीक है ना, तो इट इज़ अ वाटर रिटेनिंग हार्मोन। इट इज़ अ इट हैज़ टू फंक्शन, टू की स्पेलिंग गलत है आप उसे ही कर लेना, इट स्टिमुलेट्स, इट स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनी, ठीक है ना, ये आपकी वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को एब्जॉर्प्शन हेल्प करती है किडनी में, कॉन्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स दे आर वाई इंक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर, हैंस इट इज कॉल्ड वैसोप्रेशन। टारगेट सेल्स क्या होती हैं, सेल्स ऑफ किडनी, ओके, देखिए आप लोग एंटीयूरेटिक हार्मोन नोन एज वैसोप्रेशन फंक्शन डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन एंड डिक्रीज स्वेटिंग इंक्रीज BPY रिटेनिंग वाटर, ओके। देखिए पोस्टर पिट्यूटरी से आपका एडनल ग्लैंड पे, ठीक है ना, देन आपका ADH वैसोप्रेसिन एल्डोस्टेरोन किडनी एंड डायूरेसिस में हेल्प करता है, ठीक है, एंटीयूरेटिक हार्मोन ADH नोन एज वैसोप्रेसिन फंक्शन डिक्रीज यूरिन प्रोडक्शन डिक्रीज स्वेटिंग इंक्रीज BP डिहाइड्रेशन ADH रिलीज ओवर डिहाइड्रेशन में ADH इनहिबिटिंग होता है आपका, ठीक है, एंड देन आपने ये देख ही लिया। उसके बाद भी देखिए रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है ना, यहाँ पर वाटर है आपका रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीटोसिन और इसे हम बोलते हैं पिटोसिन। ऑक्सीटोसिन कॉज कॉन्ट्रक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, ठीक है ना, यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रक्शन में हेल्प करती है, कब, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब जो चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम में जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रक्शन में ये हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो चाइल्ड बर्थ के दौरान जो यूट्राइन मसल्स होती हैं उसके कॉन्ट्रक्शन में हेल्प करता है, एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क और मिल्क के इजेक्शन में भी हेल्प करता है फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन के दौरान ब्रेस्ट से मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड इजेकुलेशन। और मेल में, ये तो फीमेल की बात होगी, अब मेल में देखें तो मेल में क्या है, मेल में इट हेल्प इन स्पर्म ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, स्पर्म ट्रांसपोर्ट एंड इजेकुलेशन में भी हेल्प करता है बिकॉज ऑफ इट्स रोल इन बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन, ठीक है ना, और इसका रोल कहाँ होता है आपके बर्थ में मिल्क इजेक्शन में रोल होता है फीमेल में, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बर्थ हार्मोन, इसे हम क्या बोलते हैं बर्थ हार्मोन बोलते हैं एंड मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन ही बोलते हैं। टारगेट सेल्स क्या है इसकी, सेल्स ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है, देखिए मिल्क इजेक्शन, इट कॉज कॉन्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल स्मूथ मसल्स लाइक सेल नोन एज मायोएपिथेलियल सेल्स दैट लाइन द एलुलाई एंड डक्ट ऑफ द मेमरी ग्लैंड दस क्यूजिंग मिल्क आउटवर्ड्स थ्रू द निप्पल, ठीक है, कॉन्ट्रक्शन ऑफ मसल्स ऑफ यूट्रस, देखिए इट कॉज कॉन्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स फाइबर ऑफ बोथ प्रेगनेंट और नॉन प्रेगनेंट यूट्रस, इट इज़ यूज क्लिनिकली फॉर द इंडक्शन ऑफ फ्लेवर, ठीक है ना, देखिए एंड इसको हम क्या बोलते हैं, लव हार्मोन या कुडल हार्मोन भी बोलते हैं, तो कुडल हार्मोन ऑक्सीटोसिन परफॉर्म अ ग्रेट रोल इन लव एंड बॉन्डिंग, ठीक है ना, आपका जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स बोले तो उसमें आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन परफॉर्म अ ग्रेट रोल इन लव एंड बॉन्डिंग सो मच सो दैट इज समटाइम्स कॉल्ड द लव हार्मोन और कुडल हार्मोन, द हायर योर ऑक्सीटोसिन ब्लड लेवल द हायर द बेनिफिट्स ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड योर हैप्पीनेस एंड वेलबींग विल सोर, ओके। नेक्स्ट देखिए इरेगुलेटरीज ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है ना, मतलब जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो आपकी सीक्रेशन है, ठीक है ना, जो हॉर्मोन्स का सीक्रेशन है उसमें कुछ इरेगुलेटरीज आ जाती हैं, कुछ अनियमितताएँ आ जाती हैं, तो वहाँ पे ये उसका फ्लो चार्ट देख लीजिए, इम्प्रॉपर सीक्रेशन, मतलब सीक्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है ऑफ STH और ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन और STH, ठीक है ना, इनका सीक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो प्रोड्यूस फॉलोइंग डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि हाइपोसीक्रेशन ऑफ STH, ठीक है, ड्वार्फिज्म हो जाता है एंड पिट्यूटरी मिक्सोडिमा एंड हाइपर सीक्रेशन, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको ये फिर से रिपीट करवा दे रही हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए हाइपोसीक्रेशन ऑफ STH मतलब ग्रोथ हार्मोन के अगर
ग्रोथ हार्मोन अगर आपका कम निकलता है, ठीक है ना, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन क्या निकलता है, कम निकलता है, तो आपको क्या हो जाएगा, ड्वार्फिज हो जाएगा, बौनापन एंड पिट्यूटरी मिक्सोडीमा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ग्रोथ हार्मोन अधिक निकलता है तो आपको जायजेंटिज्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्रोमिगेली हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर एक है आपका हाइपर सीक्रेशन ऑफ ADH, जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, अगर ये अधिक निकलता है तो भी इससे कुछ प्रॉब्लम्स होती है, वो भी हम इसको भी देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले मैं रेज कर देती हूँ, उसके बाद आपको ये सब बताती हूँ, ठीक है। ड्वार्फिन्स पढ़ेंगे इसके बाद हम, ओके। तो चलिए देखिए, हाइपर सीक्रेशन ऑफ STH ड्वार्फिज्म, ठीक है ना, हाइपोसीक्रेशन है सॉरी, तो ड्वार्फिज्म, अंडर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड और प्री प्यूबर्टल पीरियड प्रोड्यूस ड्वार्फ्स। दिस ड्वार्फिज्म इज डिस्क्राइब्ड एज एटलियोसिस एंड द ड्वार्फ्स आर कॉल्ड मिडकेट्स, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, जो आपका सीक्रेशन है वो कम हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है ना, जब बच्चा मतलब चाइल्डहुड के दौरान, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तब, ठीक है ना, तो इससे बच्चे क्या, उसके बच्चे ड्वार्फ हो जाता है, ठीक है, छोटा मतलब उसका कद कम हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए आपको इसमें, क्लिनिकल एबनॉर्मलिटीज इन ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है ना, प्यूबर्टी से पहले जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन बिफोर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस, ठीक है ना। अब क्या है, अब यहाँ पे जो देखिए, ये तो ड्वार्फिज्म हो गया आपका, अब क्या है, आपका ग्रोथ हार्मोन अधिक निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका जायजेंटिज्म हो जाएगा। इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन आफ्टर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस, ठीक है ना, बिफोर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस से यहाँ पे आफ्टर यूनियन ऑफ एपिफाइसिस, तो आपका एक्रोमिगेली हो जाता है, ठीक है। मैं आपको भी दिखाती हूँ, देखिए ये है आपका पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक है। तो किसमें आपका बेबी है, जो लड़का है, ठीक है, जो आपका ड्वार्फिज्म है, मतलब बोना रह गया है इसमें, ठीक है ना, जो ट्यूमर कॉजिंग हाइपोपिट्यूटरिज्म डिक्रीज हार्मोन आउटपुट, ठीक है ना, जो आपका हार्मोन है वो उसका आउटपुट कम निकल रहा है। तो पीपल विद द डिसऑर्डर हैव अ शॉर्ट स्टेचर विद द नॉर्मल लेंथ आर्म्स एंड लेग्स, ठीक है ना, उसके आर्म्स एंड लेंथ नॉर्मल लेंथ नहीं होती है उनकी, ठीक है, देन शॉर्ट रह जाते हैं। सम ट्रीटमेंट इन्वॉल्व फॉर दिस इंडिविजुअल्स आर गिविंग द ड्वार्फ चाइल्ड HGH विच हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कार्डवेट्स, इंसर्टिंग सीक्रेशन ऑफ DNA विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर HGH प्रोडक्शन इन टू बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया दैन प्रोड्यूस HGH ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, दिस HGH इज दैन यूज टू ट्रीट ड्वार्फिज्म। देखिए ड्वार्फिन्स का ही एग्जांपल है, पिट्यूटरी ड्वार्फिन इज अ रिजल्ट ऑफ हाइपोसीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपोसीक्रेशन ग्रोथ हार्मोन के हाइपोसीक्रेशन के कारण आपको ड्वार्फिस हो गया है, ठीक है ना। लॉन्ग बोन ग्रोथ इज सो स्लो, ठीक है ना, जो आपकी लॉन्ग बोन है वो ग्रोथ कम होने लगती है। बॉडी प्रोपोर्शन आर नॉर्मल, ठीक है ना, बॉडी नॉर्मल होता है। ट्रीटमेंट विद द ग्रोथ हार्मोन बी रिस्टोर नॉर्मल ग्रोथ। एबनॉर्मलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन सीक्रेशन, देखो ड्वार्फिज्म, ठीक है, लरान ड्वार्फिज्म में, ठीक है ना, देन आपका जेनेटिक एंड एक्रोमेगेली है इसके बाद। तो पिट्यूटरी मिक्सोडीमा देखिए, हाइपोसीक्रेशन इन एडल्ट आफ्टर ग्रोथ पीरियड, ठीक है, एडल्ट में जो हाइपोसीक्रेशन आफ्टर ग्रोथ पीरियड के बाद, प्रोड्यूस सिम्टम्स सिमिलर टू हाइपोथायरॉयडिज्म, पर्संस आर वीक विद रिड्यूस जेनिटल ऑर्गन, ठीक है ना, जो उसके जेनिटल ऑर्गन है वो कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, एंड रिड्यूस फर्टिलिटी, और उनकी जो फर्टिलिटी वो रिड्यूस खत्म हो जाती है। दिस डिक्रीज इज कॉल्ड पिट्यूटरी मिक्सोडीमा, और आपका है